कई बार त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते आ जाते हैं, जो कई बार सोरायसिस के कारण भी होते हैं। आइए तो आज वर्ल्ड सोरायसिस डे के अवसर पर अपने शहर पुणे और देश के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आरती भस्मे से सोरायसिस के बारे में जानते हैं। डॉक्टर, सोरायसिस क्या है? सोरायसिस एक मुख्यतः त्वचा विकार है जिसमें त्वचा की कोशिकाएं यानी स्किन सेल्स अफेक्ट होती है। स्किन सेल जो सामान्य रूप में 3 से 4 हफ्तों में नई बनती है, वह प्रक्रिया सोरायसिस में 3 से 7 दिन में पूर्ण होती है, जिस कारण त्वचा पर लाल रंग के पैचेस आ सकते हैं, जिसमें पेशेंट को खुजली हो सकती है और ऊपर से अतिरिक्त डेड स्किन सेल्स जमा होने के कारण सफेद पपड़ी, जिसे सोरियासिस स्केल कहते हैं, वो जमा हो जाती है। आमतौर पर ये बीमारी कोहनी, घुटने, स्कैल्प, पीठ का निचला हिस्सा, यह ज्यादातर प्रभावित होता है, लेकिन कभी कभी यह पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर, सोरायसिस के लिए कौन से उपचार उपलब्ध हैं? सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए स्किन एग्जामिनेशन और अगर जरूरी हो तो आपको डॉक्टर बायोप्सी की सलाह दे सकते हैं। इस सोरायसिस के ट्रीटमेंट के लिए आपको क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए। आपके त्वचा रोग की गंभीरता के अनुसार और प्रभावित स्किन एरिया के अनुसार ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर माइल्ड प्रकार का डिसीज है तो टॉपिकल क्रीम्स, जिसमें स्टीरॉइड्स और नॉन स्टीरॉइडल क्रीम्स एडवाइस की जाती है। साथ ही मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें अधिकतर त्वचा ड्राई हो जाती है। फिर दूसरी ट्रीटमेंट है, फोटोथेरेपी भी दे सकते हैं, जिसमें यूवी फोटोथेरेपी का समावेश होता है। अगर डिसीज सीवियर है तो ओरल इम्यूनोसप्रेसेंट्स और कोई इंजेक्शंस भी आपको एडवाइस की जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लंबे समय चलने वाली बीमारी है तो रेगुलर फॉलोअप जरूरी है और सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना जरूरी है। कई बार पेशेंट खुद के मन से दवाइयां कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी गलत है। दवाइयों के साथ आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छी रखना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पेशेंट को एक्सरसाइज और संतुलित आहार लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, सोरायसिस को बदतर क्या बनाता है? कुछ कंडीशंस होती है जो सोरायसिस को बढ़ा सकती है, जो हम कहते हैं कि फ्लेयर करती है, ये चीजें ट्रिगर करती है सोरायसिस को। इनमें होता है कि एकदम न्यू डिसीज अगर एक्टिव फेस है सोरायसिस का, तो कोई भी नया टाइप का जख्म हो, बर्न हो, कहीं कटने छिलने से आपको वहां पे नए सोरायसिस के धब्बे आ सकते हैं। इसको हम केबनर फिनोमिनॉन कहते हैं। अल्कोहल यानी कि शराब पीना, धूम्रपान करना, स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, ये स्पेशली फीमेल्स में एप्लीकेबल होते हैं। कुछ मेडिसिन, थ्रोट इन्फेक्शन और कुछ इन्फेक्शन जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जैसे कि HIV, ये आपके सोरायसिस को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर, सोरायसिस किसे होता है? क्या ये संक्रामक है? जैसे कि हमने डिस्कस किया, यह एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। एग्जैक्ट इसका कारण सुनिश्चित नहीं है। यह रोग अनुवांशिक हो सकता है। करीबी रिश्तेदारों में अगर यह रोग किसी को है तो अगली पीढ़ी में इसे होने की संभावना बढ़ जाती है। मल्टीपल जीन्स कैन बी इन्वॉल्व्ड इन दिस, बट साथ में पर्यावरण संबंधित कारण भी इसे अफेक्ट कर सकते हैं। यह रोग नॉन कॉन्टेजियस है, यानी कि केवल एक दूसरे को छूने से या साथ में रहने से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैल सकता। सामान्य लोगों में इस बात का पता होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन के कारण सोरायसिस पेशेंट को समाज में उठने बैठने में मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर, सोरायसिस का कारण क्या है? सोरायसिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, यानी कि हमारी प्रतिकार शक्ति से संबंधित है। नॉर्मली हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी बाहरी इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करती है, लेकिन सोरायसिस में यह गलती से हमारी हेल्दी स्किन सेल्स पर अटैक करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम में इस बदलाव का एग्जैक्ट रीजन पूरी तरह से समझना मुश्किल है, परंतु जेनेटिक्स और पर्यावरण संबंधी कारणों की भूमिका इसमें हो सकती है। डॉक्टर, सोरायसिस किसे होता है? क्या ये संक्रामक है? जैसे कि हमने डिस्कस किया, यह एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। एग्जैक्ट इसका कारण सुनिश्चित नहीं है। यह रोग अनुवांशिक हो सकता है। करीबी रिश्तेदारों में अगर यह रोग किसी को है तो अगली पीढ़ी में इसे होने की संभावना बढ़ जाती है। मल्टीपल जीन्स कैन बी इन्वॉल्व इन दिस, बट साथ में पर्यावरण संबंधित कारण भी इसे अफेक्ट कर सकते हैं। यह रोग नॉन कॉन्टेजियस है, यानी कि केवल एक दूसरे को छूने से या साथ में रहने से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैल सकता। सामान्य लोगों में इस बात का पता होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन के कारण सोरायसिस पेशेंट को समाज में उठने बैठने में मुश्किल हो जाती है।